नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्नैक पर बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि टीजीटी पीजीटी और नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं और इसमें से ज़्यादा प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए देख लिया जाए इन प्रश्नों को, ठीक है। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसको जरा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन में, टाइफ्लोप्स, ठीक है, टाइफ्लोप्स इज, टाइफ्लोप्स कैसा स्नेक है। कह रहे हैं कि सी स्नैक है, कि ग्रास स्नैक है, घास वाला है, कि समुद्री की ग्लास स्नैक है, कि ब्लाइंड स्नैक है। इसमें से टाइफ्लोप्स किस प्रकार का सर्प है, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ब्लाइंड स्नैक, ठीक है, अर्थात डी इज द राइट आंसर, ब्लाइंड स्नैक, ठीक है, अंध सर्प, ठीक है। इसे अंध सर्प कहते हैं कि देखें इसमें जो है आंख जैसे नहीं दिखती है। ये देख रहे हैं आप, ये कौन सा सर्प है दोस्त, यह सर्प है ब्लाइंड सर्प, ठीक है, ब्लाइंड स्नैक है। तो चलिए आज का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है उसको भी देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए कि नेम अ नॉन पॉइजनस स्नैक, यानी इसमें से अविषैला सर्प कौन सा है, अर्थात विषहीन सर्प कौन सा है, ऐसा कह रहा है। नॉन पॉइजनस स्नेक कौन है, कह रहा है कोबरा है, कि क्रैत है, कि वाइपर है, कि रैट स्नेक है, कौन अविषैला है। देखिए मैंने आपको बताया था विषैले सर्पों की ट्रिक भी बताया था, विषैले सर्पों को याद करने की ट्रिक भी बताया था कि कोबरा की बीवी से रात में मिलोगे तो पिट जाओगे, ठीक है। उसमें से आप अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा स्नैक का, तो आप पिछले लेक्चर को हमारे आप देख सकते हैं, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उसका लिंक दे रखा है, उसको आप एक बार जरूर देख लें। देखिए इसका हम आप बता दें आंसर क्या होगा। देखिए कोबरा की बीवी से रात में मिलोगे तो पिट जाओगे, कोबरा तो पहले ना गया, कोबरा की का मतलब किंग कोबरा और क्रैत दोनों होते हैं, वी का मतलब वाइपर, और ये सब तो पॉइजनस हैं, और राइट स्नैक कैसा है, नॉन पॉइजनस है, ठीक है। इसे आप देख रहे हैं ये कौन सा स्नैक है, ये राइट स्नैक है, ठीक है। इसे कहते हैं घोड़ा पछाड़, समझ रहे हैं, बहुत तेज भागता है, ठीक है, और राइट वेट को भी खा जाता है, समझ रहे हैं, घोड़ पछाड़, समझ रहे हैं, राइट स्नैक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा वेस्टिजियल अवशेषी हाइंड लिम्स आकर इन द स्नैक, ठीक है। अगर आप हमारा लेक्चर जाकर के देख लेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे छूटे गए नहीं, आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा वेस्टिजियल हाइंड लिम आकर इन द स्नैक, यानी अवशेषी जो हाइंड लिम्ब होते हैं, एक फोर लिम्ब एक हाइंड लिम्ब, तो हाइंड लिम्ब किस में पाया जाता है, किस सर्प में पाया जाता है, ठीक है, अवशेषी। कह रहा पाइथन में पाया जाता है, कि कोबरा में होता है, कि क्रैत में होता है, कि रसेल वाइपर में, किस में होता है, ठीक है। तो आप जाकर के देखें, इसका हम आपको बता दें आंसर क्या है, पाइथन है, ठीक है, पाइथन इज द राइट आंसर। आपके हिसाब से क्या है, अगर आपके हिसाब से दूसरा कुछ है तो देखिए, मैंने बताया था कि दो ऐसे सर्प हैं, अगर आपके हिसाब से कुछ और समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, पाइथन। आप देख रहे हैं ये पाइथन है, पाइथन क्या मतलब, क्या अजगर, पूरा निकल जाएगा, हम लोग भी बैठ जाए ना, हम लोगों को भी पूरा निकल जाएगा जिगर, समझ रहे हैं, तो इस प्रकार का है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर चार, विच इज करेक्ट फॉर इंडियन स्नैक, इंडियन स्नैक भारतीय सर्प के बारे में क्या करेक्ट है, ऐसा कह रहा है, भारतीय सर्प के बारे में क्या सही है। कह रहा है वनली सी स्नैक आर नॉन पॉइजनस, समुद्री जो सर्प होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। कह रहा है वनली सी स्नैक आर पॉइजनस, केवल समुद्री जो सर्प हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। कह रहा है ऑल वाटर स्नैक आर पॉइजनस, ठीक है, ऑल सी स्नैक आर पॉइजनस, जी हाँ, आंसर नंबर डी इज द राइट, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पांच, ठीक है, कह रहा है द मोस्ट पॉइजनस स्नैक, इसमें से सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नैक कौन है यह आपको बताना है, ठीक है, तो बताइए फटाफट बताइए, ठीक है, कौन सा है मोस्ट पॉइजनस स्नैक। कह रहा है क्रैत है, और ट्री स्नैक है, कि पाइथन है, कि रैट स्नैक है, इसमें से सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया था कि जो क्रैत होता है सबसे ज्यादा जहरीला होता है, और ये है क्रैत, ठीक है, आप देख रहे हैं ये क्रैत है, बिल्कुल कहते नहीं कि अगर सांप काट लेगा ना, और क्रैत पूरा करियवा नाग है, और काट लेंगे तो ना लहरव नहीं आएगा, लहर मतलब पुछिया जो नहीं हिलाता इसे टाइप का, तो ये ऐसे समझ रहे निकालता है पूरा। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, मोस्ट पॉइजनस स्नैक
कैत, कैत इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, कह रहा है स्नैक डू नॉट हैव, स्नैक में क्या नहीं होता है, सर्पों में क्या नहीं होता है। कह रहा है मूवेबल आई लिड, ठीक है, कि अपनी आंख जो है ऐसे 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 घुमा ले, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा है मूवेबल आई लिड नहीं होता है, मतलब ये पलक वलक भी तो होता ही नहीं। कह रहा है गर्डिल गर्डिल भी नहीं होता है, और लिंब लिंबव नहीं होता है इसमें, कि चलेगा आराम आराम से, ठीक है। कह रहा है ऑल द अबव सभी नहीं होते इसमें, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 7, ठीक है, आप लोग कमेंट भी करते रहिए, समझ रहे हैं, कमेंट करते रहे आप लोग, इसमें जो आपको सुझाव हो वो भी आप कमेंट में करिए, और मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। ठीक है, कर पॉइजनस फैंग्स, विषैले फैंग्स ऑफ स्नैक आर मॉडिफाइड, जो इसमें विष वाले दांत होते हैं वो किसका मॉडिफाइड है। कह रहा है मैंडिबल्स का रूपांतरण है, मैक्सिलरी टीथ है, कि कैनाइंस है, कि नेजल है, इसमें क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है। ये बहुत बार आया है, इसका जो राइट आंसर है वह है मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ इज द राइट आंसर। आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरा यह फिगर, ये रहा स्नैक और ये रहे दोनों इसके मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ, समझ रहे हैं। और हमने बताया था जहरीला सांप अगर आपको काट ले तो जहरीला सांप काटेगा दो ठो ऐसे गड्ढे बन जाएंगे, दो गड्ढे बन जाएंगे, अगर आपको काटा इसी तरीके से समान प्रकार के बन गए तो वो जो है नॉन पॉइजनस है, समझ रहे हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, और आएगा तो पूरा ना आपको दौड़ा लेगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 को भी देखा जाए। 8 नंबर, तो ये रहा 8 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि टीथ कंडक्टिंग पॉइजन, ऐसा मतलब जो दांत होता है कंडक्ट होता है, जुड़ा होता है पॉइजन से, इज स्नैक इज कॉल्ड, जो ऐसा दांत जो जुड़ा होता है किससे, पॉइजन से, उसे क्या कहते हैं, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि इंसीजर कहलाता है, कैनाइन कहलाता है, हेट्रोडोंट कहलाता है, कि फैंग्स कहलाता है, हाँ यही कहलाता है, फैंग्स, क्या कहलाता है दोस्त, फैंग्स कहलाता है, वही दोनों बड़े बड़े वाले दांत, समझ रहे हैं, फैंग्स है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, कह रहा इन स्नैक द पॉइजन ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, कि जो सर्प होता है उसमें पॉइजन ग्लैंड जो होती है किसका रूपांतरण, आप देखिए यहां पर भी थोड़ा सा वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन आपको चेंज कर दिया, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी शामिल किया, ठीक है। कह रहा है लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, मोलर ग्लैंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉइजनस ग्लैंड मॉडिफिकेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 सॉरी प्रश्न नंबर 10 रहा, तो ये रहा प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि कोबरा कोबरा कोबरा, समझ रहे हैं, कोबरा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर स्नैक, कोबरा दूसरे सर्पों से किस मामले में भिन्न होते हैं, किस प्रकार भिन्न होते हैं कोबरा दूसरे सर्पों की तुलना में दूसरे सर्पों से, ठीक है। कह रहा है ब्लैक कलर, मतलब कोबरा कह रहा है काला वाला होता है, करीवा नाक काट लिया, समझ रहे हैं। और दूसरा कह रहा है एगाइल हैबिट, और तीसरा कह रहा हुड, हुड माने फन, हुड माने फन, हुड माने फन, समझ रहे हैं, कह रहा फन में भिन्न होता है, अराउंड टेल गोल वाली पूंछ। तो हम आपको बता दें, याद देख रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए हुड फन, फन में भिन्न होता है, कोबरा में यही होता है, क्या उपस्थित होता है, फन होता है, समझ रहे हैं, आ गया बिल्कुल कोबरा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, हुड, ठीक है, यह दूसरों में दूसरे सर्पों से यह कोबरा जो होता है भिन्न होता है किससे, हुड से, ठीक है, क्योंकि कोबरा में क्या उपस्थित होता है, हुड होता है, ठीक है, ये रहा कोबरा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है स्टडी ऑफ स्नैक इज कॉल्ड स्नैकोलॉजी, स्नैकोलॉजी नहीं है, समझ रहे हैं, कह रहा है स्टडी ऑफ स्नैक, सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो सर्पों के अध्ययन को कह रहा है इक्थियोलॉजी, न इतना होगा ही नहीं, इंटीरोलॉजी नहीं, यह नहीं है, कह रहा सर्पेंटोलॉजी, हाँ यही है सर्पेंटोलॉजी, समझ रहे हैं, सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी, ठीक है, सर्पेंटोलॉजी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखा जाए। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है प्रोटियोलाइसिन इज प्रेजेंट इन द वेनम ऑफ, प्रोटियोलाइसिन किसमें, किसके वेनम में उपस्थित होता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है।
कह रहा है वाइपर में होता है कि सी स्नैक में होता है कि कोबरा में होता है कि क्रैक में होता है, किस में होता है? प्रोटियोलाइसिन। प्रोटियोलाइसिन किस में होता है ऐसा कह रहा है दोस्त, ठीक है। प्रोटियोलाइसिन किस में होता है? वाइपर में। इसका वाइपर सही उत्तर है, ठीक है। देखिए कैसे, आप एक बात आप ध्यान रखिए, वी आई पी, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, वी आई पी है, ठीक है, वी आई पी है, आप ध्यान रखिएगा। वी आई का मतलब वाइपर, पी का मतलब होता है प्रोटियोलाइसिन, प्रोटियोलाइसिन, और ये और एच का मतलब क्या है? हेमोटॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन, समझ रहे हैं, हेमोटॉक्सिन, और ये हो गया पी से क्या, प्रोटियोलाइसिन, ठीक है। और इसके भी ट्रिक है, और वो आ रहा भी प्रश्न, तो हम उस प्रश्न की जगह बात करते हैं। इतना ध्यान रखिए कि प्रोटियोलाइसिन वी आई पी, मतलब प्रोटियोलाइसिन किस में होता है? वाइपर में। किस में होता है? वाइपर में। अच्छा एक बात और, वी आई, वी आई से वी वी पैरस भी होता है, वे वी वी पैरी भी होता है, समझ रहे हैं, वाइपर वी आई पी है। आप ध्यान रखिएगा, तीन चार क्वेश्चन आपसे ये आप इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, नेम ऑफ वीवी पैरस स्नैक, वीवी पैरस स्नैक का नाम बताइए। अब देखिए वही आ गया ना, मैंने बताया था कि वी आई पी है, ऐसा ध्यान रखिएगा, वी आई का मतलब वाइपर, पी का मतलब प्रोटियोलाइसिन, और वी का, वी आई का मतलब वाइपर भी है, अब वी आई का मतलब वीवी पैरी भी है, वीवी पैरस, ठीक है, वीवी पैरस। तो जो वाइपर होता है वीवी पैरस भी होता है, इसमें प्रोटियोलाइसिन भी होता है, और ये हीमो टॉक्सिन भी होता है, समझ रहे हैं, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वाइपर, वाइपर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ स्नैक इज हेल्प्ड इन बाय, मतलब जो सर्प में मूवमेंट गति होती है, कौन इसमें हेल्प करता है, सर्पों के गति में कौन हेल्प करता है? कह रहा है हेड के द्वारा ये करता है, टेल के द्वारा, पूंछ के द्वारा हिला करके पूछिया हिलाएगा, तो कह रहा है रिब्स के द्वारा, पसली होती है। अगला कह रहा है रिड्यूस्ड रिब्स, मतलब समझ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, सर्प में मूवमेंट होता है रिब्स के द्वारा, किसके द्वारा होता है, रिब्स के द्वारा होता है, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है, द बिगेस्ट सर्पेंटोरियम इन इंडिया लोकेटेड इन, माने भारत में, कह रहा है भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटोरियम कहां है, अर्थात जहां पर सर्पों को संरक्षित किया गया है, सर्पों को रखा गया है, वह भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटोरियम कहां है, ऐसा कह रहा है दोस्त। कह रहा है न्यू दिल्ली में कि चेन्नई में कि मुंबई में कि कलकत्ता में। ये देखिए सर्पेंटोरियम की थोड़ा सा ही रूपरेखा है, समझ रहे हैं, इस तरीके से बॉटल में, बॉटल में, बॉटल में, या ऐसे भी फ्री में भी उसको रख दिया जाता है। इसका राइट आंसर है चेन्नई। क्या है दोस्त? चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा सर्पेंटोरियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प इज नॉन, नॉट पॉइजनस, यानी विषहीन है, मतलब विषैला नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कोबरा, कोबरा बाप रे बाप, ये तो विषैला है, अक्रैतो विषैला है, महाविषैला है, और कह रहा है वाइपर, वाइपर भी है, और ये कह रहा है पाइथन, पाइथन, जी हाँ बिल्कुल यही विषैला नहीं है, कौन है, पाइथन विषैला नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है पाइथन, ही देख लीजिए, ये बिल्कुल पाइथन है। इसका मुंहवा जो है थोड़ा छोटा लगता है और शरीरिया बड़ा लगता है, लेकिन जब किसी जंतु को निगलता है ना इसे टाइप में, तो इसका मुंह जो है अपनी औकात से भी ज्यादा फैला लेता है, पूरा हजम कर लेगा, जैसे हम लोग भी है ना ज्यादा बहादुरी दिखाएंगे ना तो हम लोग निगल जाएगा, तो वहीं अंदर जो है इसे घूमेंगे, अरे भाई बचा लो बचा लो, तो कोई बचाएगा भी नहीं, समझ रहे हैं। तो ये है पाइथन, ये कैसा है, अजगर, विषहीन है, विषैला सर्प नहीं। अब विषैला नहीं तो आप ऐसा नहीं करिएगा कि पकड़ लीजिए उसको, नहीं मजा खा देगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक आर, मतलब वही जो फैंग्स, जो दंतवा नहीं होता इसका, पॉइजनस विषैले वाले दांत, कह रहा है स्नैक में सर्प के 20 दंत हैं, कैसे हैं 20 दंत, कह रहा है मैगजिलरी टीथ है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है कि प्री मैगजिलरी टीथ है कि वोमेराइन टीथ है, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर है मैगजिलरी टीथ, ठीक है, मैगजिलरी टीथ है, ठीक है, पॉइजनस फैंग, मैगजिलरी टीथ इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज, कह रहा कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है, मतलब अगर कोबरा काट ले तो रोगी कहे मर जाता है, रोगी नहीं मनुष्य को, अगर जैसे हम ही हैं आप पढ़ाए रहे हैं, आके कोबरा पिछुआ से काट लेना मर जाएंगे,
तो काहे मर जाएंगे भाई, काहे मर जाएंगे, क्या कारण है? कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी लाल रुधिराणुओं का विनाश नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा है परमानेंट कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, पेशियों का स्थायी संकुचन नहीं हो, नहीं है। कह रहा है इन एक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता, जी बिल्कुल हाँ यही सही उत्तर है, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो निष्क्रिय हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती तो हम हू बंद हो जाएंगे, समझ रहे हैं, या जिसको काटेगा वही बंद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है स्नैक्स आर सेंसिटिव टू, यानी सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, ऐसा कह रहा है। कह रहा है नॉइज मेड बाय बर्ड, चिड़ियों की ध्वनि से, चिड़िया जब चहचहाती हैं चौं चौं। कह रहा है अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन। कह रहा है थंडर गर्जन से, एयर बॉर्न वाइब्रेशन, हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। हम लोग जैसे गए ना उसको मारने के लिए चलेंगे, तो जब चलेंगे हमारे पैरवा से जो कंपन होता है उसको पता चल जाता है, कहता है कोई मारने आ रहा है, भाग लो बेटा भाग लो, समझ रहे हैं, इस टाइप का करता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 20 ये रहा, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है इन पॉइजनस स्नैक विषैले सर्पों में फैंग्स आर अटैच्ड टू, देखिए किससे जुड़ा होता है, विषैले सर्पों में विष दंत जुड़े होते हैं, किससे जुड़ा होता है? कह रहा है मैंडिबिल से जुड़ा होता है कि मैग्जिला से जुड़ा होता है, प्री मैग्जिला से कि क्वाड्रेट से, किससे जुड़ा होता है, ऐसा कह रहा है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है किससे जुड़ा होता है, तो यह जुड़ा होता है मैग्जिला से, किससे दोस्त, मैग्जिला से जुड़ा होता है। आप जानते हैं मैग्जिलेरिटी, कई क्वेश्चन अभी हमने कराया भी, समझ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेश वाटर स्नैक आर जनरली, जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं, कह रहा है नॉन पॉइजनस होते हैं कि पॉइजनस होते हैं, बोथ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, कह रहा है हाईली पॉइजनस, ठीक है। कह रहा है जो पानी में सर्प रहते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में पनियाहवा सर्प बोलते हैं, पनियाहवा सर्प, ठीक है, पनियाहवा सांप, वो कैसे होते हैं, कह रहा है कि स्वच्छ जल में जो पाया जाएगा एकदम तरोताजा में, कह रहा है कैसे होते हैं, तो वो होते हैं अविषैले, नॉन पॉइजनस होते हैं, कैसे होते हैं दोस्त, नॉन पॉइजनस, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 22 कह रहा है इन एज स्नैक इफ द हेड स्केल आर लार्ज, मतलब उसके यहां हेड पर लार्ज स्केल मिलता है, सील्स विथ अ लोरियल पिट, लोरियल पिट, लोरियल पिट, इसे ध्यान रखिएगा, बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड द आई, एंड द आई, कह रहा है यदि किसी सांप के कपाल, सिर पर सहक सहक मसूढ़ तथा नेत्र के मध्य लोरियल पिट मौजूद है तो ऐसा सर्प होता है। अगर लोरियल पिट उपस्थित है तो वह सर्प कैसा है ये कह रहा है, ठीक है, तो कैसा है वो, कह रहा है करैत होगा कि कोबरा होगा कि वाइपर होगा, किंग कोबरा होगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर है वाइपर होगा, क्या होगा दोस्त, वाइपर होगा, समझ रहे हैं, लोरियल पिट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23, ठीक है, प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पॉइजनस, निम्न में से, इनमें से कौन विषकारी नहीं है, मतलब नॉन पॉइजनस है, ये देख रहे हैं आप कितनी बार यह क्वेश्चन आ रहा है नॉन पॉइजनस का, ठीक है। कह रहा है पाइथन है नॉन पॉइजनस, कह रहा है कोरल स्नैक है कि वाइपर है कि क्रैथ है, इसमें नॉन पॉइजनस कई बार आ चुका पाइथन, ठीक है, कौन है दोस्त, पाइथन है, समझ रहे हैं, अजगर विषहीन सर्प है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 ये रहा, देखिए प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, यहां असर्शन दे रहा है, ए नंबर में स्नैक वेनम इफ इंजेस्टेड ओरली विल बी डाइजेस्टेड एंड कॉज नो हार्म इफ एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट इंजर्ड, ठीक है। कह रहा है कि अगर उसके विष को निकाल करके हम अगर पी जाएं, हमारे आहार नाल में वो पूरा उसका विष चला जाए, उसके विष को पी लें, ठीक है, जब चला जाएगा तो कह रहा है पाचन हो जाता है, पाचन हो जाता है और वो हमें हानि नहीं पहुंचाता है। देखिए अगर सर्प काट लेगा तो हमें हानि पहुंचेगी, हम मर जाएंगे, लेकिन अगर वही सर्प के विष को हम निकाल करके पी जाएं तो हमारे आहार नाल में चला जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा, वो हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ब्लड से उसका जो कनेक्शन है नहीं होता है, समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है। अब देखिए रीजन कह रहा है आर स्नैक वेनम बिकम्स फेटल ओनली When it enters blood stream, मतलब जब वह क्या करता है कि ब्लड स्ट्रीम से वह नहीं मिल पाता है, उसका जो वेनम होता है, ठीक है। अकार फाइंड द
करेक्ट फाइंड द, ये ए नंबर था, नहीं होता है, ये कह रहा है नहीं मिल पाता है इस कारण से, समझ रहे हैं, कह रहा फाइंड द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो, ये कोड में से कौन सा, ये कह रहा है ए नंबर में बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब ये बात तो सही है कि ये भी सही है कि अगर चला जाएगा हम उसको बाहर से ले लेंगे बीस को तो हमें हानि नहीं पहुंचेगी, अब क्यों नहीं पहुंचेगी यहां पर दे भी रहा है कारण कि क्योंकि वो हमारे ब्लड सेल्स से नहीं मिल पाता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, और कह रहा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए का सही एक्सप्लेनेशन है ये, ए ये बिल्कुल सही बात है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आप ए का, ठीक है ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा और हम ऑप्शन की बात ही नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हीमोलाइटिक वेनम विच ब्रेक्स डाउन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक, मतलब कह रहा है कि हीमोलाइटिक जो वेनम होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है किसको, आरबीसी को, ठीक है ब्रेक डाउन कर देता है और किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ऐसा कह रहा है कि किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है कह रहा है कोबरा के द्वारा, दूसरा कह रहा है करायत के द्वारा कि किंग कोबरा के द्वारा कि वाइपर के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है ऐसा कह रहा है, तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वह है वाइपर, अभी मैंने बताया था वीआईपी है, वीआईपी है, ठीक है प्रोटीओलाइसिन, वीआई मतलब वाइपर, वाइपर से वीवी पैरी भी है, क्या है दोस्त वीवी पैरी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर है वाइपर, ठीक है वाइपर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लिया जाए, देखिए प्रश्न नंबर 26 कह रहा है द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम दिया है शोज स्केल्स ऑन द हेड, मतलब इसके सिर पर जो स्केल्स हैं ऑफ अ स्नैक नंबर्ड 1 to 7, 1 से 7 तक है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और 7, ठीक है 7 तक, द स्केल नंबर्ड 3, स्केल नंबर 3 ठीक है इज यूज एज वन द करेक्टर्स इन द आइडेंटिफिकेशन, मतलब 3 नंबर का जो यह है जो पाया जा रहा है दोनों के बीच में है, ठीक है नॉस्ट्रिल और आई के बीच में 3 नंबर का जो स्केल है पाया जाता है किसका करेक्टर है, कह रहा है पिटलेस एंड पिट वाइपर का, करायत का कि पाइथन का कि कोबरा एंड कोरल स्नैक का, तो जी हां बिल्कुल डी इज द सही, डी इज द राइट आंसर, कोबरा एंड कोरल स्नैक, ठीक है कोरल एंड कोबरा इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्त, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है गिवन, ये दिया गया है नीचे, कह रहा है पॉइजन ग्लैंड फैंग्स एसोसिएटेड मसल्स एसोसिएटेड बोन्स, ठीक है इतना ही चीजें हैं, कह रहा है इन द बाइटिंग मैकेनिज्म जब सर्प काटने की जो क्रिया विधि है आप वेनमस स्नैक वेनमस सर्पों में विच ऑफ द एबव स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व, यानी इनमें से कौन कौन सी संरचना उसमें शामिल है इसको भी मैं बताया हूं आपको, ठीक है आप जाकर लेक्चर में हमारे देख भी सकते हैं, कह रहा कौन कौन शामिल है कि देखिए यह भी शामिल होता है ये भी होता है ये भी समझ रहे हैं, तो 1 2 3 4 यही इसका सही उत्तर है, ठीक है दिस द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, देखिए प्रश्न नंबर 28 में द वेनम ऑफ कोबरा, कोबरा का जो वेनम होता है समझ रहे हैं कह रहा कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है कि हीमोलाइटिक होता है कि कार्डियोटॉक्सिक होता है कि हेपेटोटॉक्सिक होता है, देखिए अभी मैंने बताया था हीमोटॉक्सिक अभी बार बार वाइपर में आ रहा था और ये कैसा होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है कोबरा कैसा होता है दोस्त ये होता है न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है इसका राइट आंसर क्या है न्यूरोटॉक्सिक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, प्रश्न नंबर 29 प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, प्रश्न नंबर 29 ठीक है कह रहा है वाइपर वेनम इज, जो वाइपर का वेनम होता है वो कैसा होता है, कह रहा है न्यूरोटॉक्सिक नहीं कोबरा में है, प्रोटियोलाइटिक होता है ये तो उसमें पाया जाता है बात अलग है, यहां पूछ रहा है वेनम कैसा होता है, कह रहा है हीमोटॉक्सिक है कि नन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर क्या है हीमोटॉक्सिक, ठीक है हीमोटॉक्सिक 29 का जो उत्तर है वह क्या है हीमोटॉक्सिक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 30 प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है इसको देखिए, कह रहा है पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नैक आर एक्चुअली, ठीक है पॉइजनस ग्लैंड जो होती है सर्पों की वो एक्चुअली कैसी होती है, कह रहा है लेबियल ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड होती है, सबेसियस ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है कौन सी ग्रंथि होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है डी इज द राइट आंसर सलाइवरी ग्लैंड, इसका सलाइवरी ग्लैंड सही आंसर है, ठीक है दोस्त। चलिए
आज हम जो प्रश्न लेकर आए, आप देख रहे हैं कि पूरे प्रश्नों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं कुछ आपके सुझाव हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए फटाफट, ठीक है। हम आपको अगले अपने लेक्चर में आप लोगों के सारे कमेंट में से एक कमेंट जरूर शामिल करूंगा, जो बेस्ट कमेंट होगा, ठीक है। चलिए आज के हमारी इस क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक।